उत्तराखंड के रानीखेत से दिल्ली की ओर जा रहा एक वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जहां इस हादसे में एक कार सवार दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर पर्यटकों को वाहन से बाहर निकाला और फिर अस्पताल भेजा। दरअसल दिल्ली के रहने वाले दो पर्यटक बीते दिन हरिद्वार से रानीखेत घूमने के लिए आए थे। रविवार को वो अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो पनियली बैंड के पास पहुंचे तो चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सड़क छोड़ खाई में जा गिरी। इसकी जानकारी रानीखेत कोतवाली को मिली। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि पनियाली मोड़ के पास एक कार जो सड़क से नीचे गिरी है, उसमें दो लोग फंसे हैं। सूचना मिलते ही रानीखेत के प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सड़क से नीचे खाई में गिरी कार में फंसे दो पर्यटकों को कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला गया, जहां से दोनों को 112 वाहन से नागरिक चिकित्सालय रानीखेत पहुंचाया और उनका उपचार किया गया। वहीं दोनों पर्यटकों को उपचार के बाद टैक्सी से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया। वहीं खाई में गिरे वाहन को क्रेन से हल्द्वानी की ओर भिजवा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।